back to my channel. My name is Neha and welcome back to yet another video. So in this week's video, we are going to do a casual interaction and we are going to bake basically a brownie. Now this recipe was given by my elder sister. मैंने उससे काफी बार पूछा पर उसने बहुत ज्यादा मिनटें करवाने के बाद मुझे रेसिपी बताई है. सो आई एम गोना टेल यू हाउ आई मेक दिस एंड ऑल्सो वी गोना डू अ कैजुअल इंटरेक्शन. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके सो गाइस आई एम गोना गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंग्रेडिएंट्स दैट आई एम यूजिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज फ्लावर और मैदा. दिस इज योगर्ट दही बिकॉज आई ऑब्वियसली वॉन्टेड टू मेक एन एगलेस केक. यू कैन ऑब्वियसली टेक अ alternative. This is icing sugar. How can you make this? You just need to grind all the sugar together. After that, this is butter. This is milk chocolate. Obviously, you could use dark chocolate, but I feel like dark chocolate is a bit bitter. This is cocoa powder and this is baking powder. So let's begin. So to start with butter. So this is normal Amul wala butter. हम सभी ये use करते हैं. तो मैं ये दो टेबल स्पून डाल रही हूँ. ऑब्वियसली आई हैव मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस वन. दिस गिव्स अ परफेक्ट मेजरमेंट. यू कुड यूज अ नॉर्मल वन इफ यू डोंट हैव दिस. आई एम जस्ट गोइंग टू टेक टू टेबल स्पून ऑफ दिस बटर. आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू पुट टू टेबल स्पून ऑफ मिल्क चॉकलेट. अब मुझे डार्क चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं पसंद है, स्पेशली इन ब्राउनी, क्योंकि इसका टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा आता है, विच आई रियली डोंट लाइक. बाकी अगर आपको डार्क चॉकलेट पसंद है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट. सो आई एम पुटिंग इट बाय एन आइडिया, बट इफ यू वांट अ करेक्ट मेजरमेंट, ऑब्वियसली इट वुड बी टू टेबल स्पून. सो आई एम जस्ट गोना पुट द पीसेस ऑफ दिस. आप अपने आइडिया के हिसाब से जितनी मर्जी आप चाहो, यू कैन पुट द चॉकलेट इन एंड आई एम जस्ट गोना पुट अ फ्यू मोर पीसेस. ओके सो गाइज नाउ यू कैन माइक्रोवेव दिस फॉर वन मिनट. अब आपके माइक्रोवेव पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने मिनट रखेंगे. बेसिकली यू नीड टू मेल्ट द एंटायर मिक्सचर अप. एंड एक और चीज, आप इस चॉकलेट की जगह यू कैन पुट न्यूटेला और यू कैन पुट डेरी मिल्क, एनीथिंग. मेरी एल्डर सिस्टर यूजली इसमें डेरी मिल्क डालती है एंड आई रियली लाइक दैट एज वेल. तो आप कुछ भी डाल सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस. सो आई विल माइक्रोवेव दिस एंड आई विल कम राइट बैक. Okay, so guys, the mixture has almost melted. Only the chocolate is a bit to be done. But after we will put in some more things, I am definitely sure it's gonna get through. Now I'm gonna whisk it properly. You can also mash it in between so that it mixes up all properly, because we need to add a lot of ingredients after this. By the way, ये वीडियो अमूल ने स्पॉन्सर नहीं किए, क्योंकि इसमें काफी सारे और भी ब्रांड आएंगे. सो नाउ इट्स ऑल मिक्स्ड एज यू कैन सी. गाइज नाउ वी गोना ऐड टू टेबल स्पून ऑफ मैदा और फ्लावर. After this, we're gonna add 2 tablespoons of yogurt or dahi. And guys, thank you so much for all your love and support till now. I'll always be grateful for that. So guys, अब हम डालेंगे 2 tablespoon of icing sugar. Now we will add 1 tablespoon of cocoa powder. Now मैं बहुत देर से Wakefield's का cocoa powder use कर रही थी, but I think this is better than that one. So I would suggest you to go for this ones. I'm using this since last 1 month and I guess it tastes better than the Wakefield's one. Use the other one. After this, you're supposed to add 1/2 tablespoon of baking powder.
to mix it all together. Okay, so guys, now I'm mixing it all well. By the way, आप इसमें choco chips डाल सकते हैं, you can add walnuts, any kind of dry fruit that you like. But personally, मुझे brownie के अंदर dry fruits पसंद नहीं है. I like it to be completely raw, a complete chocolate bunch. And आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, anything that you wish to. और one more thing, इसके ऊपर actually आप chocolate sauce भी डाल सकते हैं. बट मैंने अपनी सिस्टर से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, पर उसने मुझे नहीं बताया कि वो ये कैसे बनाती है. बट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल रेसिपी दे दूंगी, सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन पुट इट ओवर योर ब्राउनी. एंड गाइस, काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए योर वीडियो सजेशंस ऑफ व्हाट यू वांट मी टू मेक नेक्स्ट. यू हैव अ लॉट ऑफ वीडियो आइडियाज बट आई एम लिटरली कंफ्यूज्ड ऑन व्हाट टू पुट नेक्स्ट. So kindly let me know your video suggestions or what you want me to do the very next time. And I think now we are done with mixing the entire batter. Guys, now I'm microwaving this batter for 1 minute. And as already told, you can check your microwave and you can do it as per your microwave's capacity. So let's go. Okay, so guys, I am back. And now just to check if our cake is done or not, you need to insert a toothpick, and if it comes out clean, that means it's literally done. I can't wait to have this now. Okay, so guys, our toothpick comes clean, that means we're done with this. Now let's quickly have it and I'll give you a taste test because I've never had my own made brownie. It's pretty cool. Taste 90 to 95% similar to what we have at Domino's, the chocolate lava cake. Absolutely amazing. Big shout out to Simran, my cousin, for this amazing recipe. And yeah, that's it for this video. I really hope you guys enjoyed watching. And if you did, don't forget to like, share, and subscribe. अपने friends, family, सबने recipe को share करो. And yeah, don't forget to tag me or mention me in your stories or posts. I would love to see that. And I'll see you in the next one. Wash your hands regularly. Take care of yourselves. And agar aap chahenge iske upar vanilla ice cream dal sakte hain, but kyunki covid chal raha hai, I would not recommend this to you. Please apna dhyan rakhiye, kyunki aapko zara se bhi khansi ya bukhar ya cold ho gaya, sabko lagega aapko covid hai. To please aap ye try mat karna, aise hi kha lo, theek hai, baad mein dekhenge. And goodbye.